नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कृषि कानून के विरोध में दिन पर दिन देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दो हफ्तों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसान हैं जो कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के बॉर्डर से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश के टोल प्लाजा के घेराव तक जा पहुँचा है, और आलम यह है कि सरकार की तरफ से गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस हाई अलर्ट में है। भारत कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है, और ऐसे में देश के अन्नदाताओं का आंदोलन मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। आखिर कब खत्म होगा किसान आंदोलन, और क्या मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को मनाने में कामयाब हो पाएगी? इन हालातों में खासकर देश की कुंडली क्या कुछ कहती है, बता रहे हैं देवेगी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। आप भी देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत में वक्त बेवक्त होने वाली सामाजिक उथल पुथल में किसानों की भूमिका भले ही गौण रही हो, लेकिन भारतीय इतिहास के झरोखे में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने ही देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसानों के कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने यहाँ के हुक्मरानों के चूल्हे तक हिला के रख दें। खासकर आज की परिस्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, वह किसान आंदोलन को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जो कुंडली है वह 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए इसी समय को आधार बनाते हुए भारत की जन्म कुंडली तैयार होती है। इस कुंडली के अनुसार आज़ाद भारत का उदय स्थिर लग्न वृषभ में हुआ है, और लग्न में राहु विराजमान है, द्वितीय स्थान में मंगल और तीसरे स्थान अर्थात पराक्रम स्थान में सूर्यदेव, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि के एक साथ होने से पंचग्रही योग बना हुआ है। छठे स्थान में बृहस्पति और सप्तम में केतु है। आज़ाद भारत की इस कुंडली में प्रथम स्थान में राहु और सप्तम के में केतु के मध्य समस्त ग्रह आ जाने से अनंत काल सर्प दोष बना हुआ है। हालांकि अनेक अंतर विरोधों के बावजूद भारत को विश्व पटल पर हीरे की तरह चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अब अगर हम लोग कुंडली की बात कर लें तो ये है कुंडली की प्रमुख बातें। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में विराजमान है। तृतीय पराक्रम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है जो इस वर्ष शुभ साबित होगा, क्योंकि शनि भारत के लिए भाग्यश है और पंचग्रह में से एक शनि भी है। भारत की कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में नहीं है। भारत की राशि जो है वह कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। वर्ष 2020 में भारत चंद्रमा की महादशा में अभी वर्तमान में शनि का अंतर चल रहा है। यह स्थिति 11 जुलाई 2021 तक रहेगी। मंगल का प्रत्यंतर 30 जनवरी तक है। 26 दिसंबर तक सूर्य का सूक्ष्मांतर है। इसके पूर्व किसान आंदोलन समाप्त होने के योग है। जो स्थितियां बनी ही हैं, जो ग्रह दशाएं बता रहे हैं, यह जो है इस दिसंबर के पूर्व में ही आंदोलन समाप्त होने के जो बन रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्मांतर में सूर्य चल रहे हैं, इसमें देश का उदय होगा, बेहतरी होनी चाहिए, और यह जो किसान के जो कारक ग्रह हैं शनि, उससे भी निजात मिलेगा और राहत मिलेगी और किसानों के पक्ष में कुछ निर्णय आ सकता है। आप लोग धर्म ज्ञान चैनल से बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।